वस्तु का यथार्थ निरूपण करे सो निश्चय नय, और जैसी है वैसा न निरूपण करे वो व्यवहार है। व्यवहार नय के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? असद्भूत और सद्भूत। असद्भूत क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो वास्तव में वैसा है ही नहीं, वो वस्तु में है ही नहीं, वस्तु में है नहीं, फिर भी वस्तु का कहा जाता है असद्भूत है। जो वस्तु में हो उसको वस्तु का कहना वो सद्भूत, वस्तु में नहीं है उसको वस्तु का कहना वो असद्भूत। जैसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद वास्तव में अपने है नहीं, लेकिन कहे जाते हैं इसलिए असद्भूत है, और ज्ञान दर्शन सुख चैतन्य ये हैं इसलिए एक कहे जाए तो ये सद्भूत है। ऐसे सद्भूत ऐसा लगता है जैसे निश्चय ही हो, लेकिन सद्भूत को ही व्यवहार में डाला है। असद्भूत तो व्यवहार में समझ में आता है एकदम आराम से, असद्भूत है वो क्योंकि वो सत्यार्थ नहीं है, वास्तविकता ऐसी नहीं है, जैसा वो कह रहा है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं। और उसका इसलिए कथन बिल्कुल ही मतलब वो असद्भूत की श्रेणी में जाता है, सत्यार्थता की श्रेणी में जाता है। परमार्थ की दृष्टि से देखो, जैसे असद्भूत जो कहता है मतलब वो वास्तविकता वैसी वस्तु की अपेक्षा से देखे, वस्तु स्वरूप से देखे तो वैसा नहीं। असद्भूत के कितने भेद है? कौन कौन से? उपचरित और अनुपचरित। उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं किसको अपना कहता है? पास की वस्तु है मतलब उपचरित, उपचरित दूर की वस्तु को अपना कहता है। दूर की वस्तु है कौन सी है? दूर माने ये ध्यान रखना, यहाँ दूर माने वो दूर के रिश्तेदार नहीं, दूर माने यहाँ निकट के रिश्तेदारों को दूर के संबंधी कह रहे। देह को छोड़कर बाकी सब पर पदार्थों को आत्मा के कहना उपचरित असद्भूत व्यवहार नए हैं। भगवान के तीन छत्र आज प्रातिहार होते हैं, कौन से नए से? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से। क्या उपचरित असद्भूत है ये बात? उपचरित असद्भूत होने पर भी क्यों है? उपचरित असद्भूत है ना वास्तव में, उपचरित असद्भूत को भी स्थान तो मिला है ना जिनवाणी, इसलिए कहा है इसको जिनवाणी। क्या बस इतना ही समझ लेगी कि उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है, और इस व्यवहार नय को भी जिनवाणी में स्थान मिला है इसलिए इसका कथन जिनवाणी में आया है, लेकिन ये वास्तव में सद्भूत नहीं है। उपचरित असद्भूत की प्रयोजन क्या है अपन ने सब समझाइए कि उसकी क्या प्रयोजन है, इसलिए उसको स्थान मिला है जिनवाणी। क्या है उसकी उपयोगिता उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की? सीमा तय हो जाती है। काहे की? कोई भी दूसरी वस्तु को दूसरे की वस्तु अपन अपनी नहीं कहने लग जाएंगे। बराबर, और अपनी वस्तु को भी कहीं अपन छोड़ नहीं दे, वो भी हो सकता है, जैसे वो होना फायदेमंद है लेकिन वैसा होना मुश्किल है, और दूसरों में मुंह मारना ज्यादा आसान है। ये भी हो सकता है सब कुछ छोड़ दे, मुनि बन जाए, कुछ भी अपना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं बने किसी से तो क्या करे फिर? तो कुछ अपनी मानने कि भाई ये अपना न्याय किसी से कम है, ये अपनी है, बाकी अपनी नहीं, एक सीमा में लेके आएगा इधर श्रावक अवस्था ही नहीं रहेगी, या तो जानवर या मुनि, जानवर में कोई व्यवहार ही नहीं, कोई व्यवहार है जानवरों कि ये हमारा है और ये तुम्हारा है, ऐसा कुछ नहीं, उनका कोई व्यवहार ही नहीं, ये व्यवहार तो मनुष्यों में, मुनिराज के भी कोई व्यवहार नहीं कि हमारा है ये आपका है ये मकान है, कुछ नहीं, वन के बिल्कुल जंगल जैसे, पशु जैसे मतलब कि जैसे उनका कुछ अपना नहीं होता, इन्होंने तो अपना मानना छोड़ा है तो वो उस अवस्था में है, तो वो या तो पशु बनेगा या फिर मुनि अवस्था को धारण करेगा यदि वो इस नए को माने नहीं तो, क्योंकि ये व्यवहार से भी अपनी नहीं कहीं जाए अपना मकान दुकान तो अपने लिए तो सब मुश्किल हो जाएगा सब काम, किस घर में जाए किस कौन सी क्या करें अपन, इसलिए उसकी उपयोगिता है ना। सदाचार, लौकिक व्यवस्था, न्याय नीति, सारा सिविक्स सारा इसी के बेस पे, क्यों इसने सा हमारा पैसा चुरा लिया
कोर्ट में जाओ, कोर्ट में क्यों कहें, ये सब साहब उच्चित असल बुद्धिमाता की बात कर रहे थे, वो इसका था ही का निश्चय से, तो दंड मिलेगा नहीं मिलेगा उसको बता देते हो, तो मैंने इसका स्वयं चुराया इसका निश्चय से ही काम, तो कहेंगे ठीक है, निश्चय से तो जीव जो है जेल में बंद होता ही नहीं है, देह बंद होती है, तो बंद कर देते थे उनको, जैसे व्यवहार से पाप किया है ऐसे जेल भी व्यवहार से ही कर देते हैं, तो सारे अव्यवस्थाएं फैलेगी उससे, और अव्यवस्था नहीं हो, व्यवस्थित व्यवस्था हो उसके लिए नहीं की उपयोगिता, सदाचार न्याय नीति लौकिक व्यवस्था उपचरित की उपयोगिता है, और अपने को बोलने चालने के लिए सब है ना, नहीं तो बोलना व्यवहार होना ही मुश्किल हो जाएगा, क्या करेंगे फिर, किसको अपना कहें फिर, तो कुछ भी नहीं कह सकते अपन अपना, क्योंकि व्यवहार से ही अपने कहे जाते हैं, निश्चय से तो कुछ भी नहीं कह सकते ना, तो ये कहना कि ये मेरे पिता है अपन लिख ही नहीं सकते, नाम लिखो अपना अपना, क्या सुरेश सन ऑफ, सन ऑफ आत्मा को, तो आत्मा किसी का सन ही नहीं है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो सारा व्यवहार ही नहीं हो सकता, इसलिए इसकी उपयोगिता है, ऐसे अनुपचारित असतु व्यवहार नहीं, किसको कहता है अपना, जो शरीर को आज खड़ा करना देखो, किसको कहता है, केवल पास के संबंधी, पास में कौन आता है, देह, देह को अपना कहता है, अब देह और देह को अपना क्या, बल्कि ये कहता है ये नए कि देह और आत्मा एक ही है, अपना भी नहीं कहता है वो, तो कहता है ये दोनों मिलके एक ही, ऐसा है नहीं कहता, मतलब वो देह और आत्मा को एक मान के व्यवहार करता है, इसलिए वो देह की स्तुति करने पे वो नहीं मान लेता है कि हमने आत्मा की स्तुति कर ली, हमने भगवान की स्तुति कर ली, तो देह और आत्मा है तो बिल्कुल अलग अलग, और ये नहीं उनको एक कहता है, इसलिए इसका नाम असद्भूत है, लेकिन फिर भी इतना है कि जितनी दूर की अन्य वस्तुएं हैं, जैसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद अपने इस क्षेत्र से भी भिन्न है, ऐसा देह इस क्षेत्र से भिन्न नहीं है, देह और आत्मा का एक क्षेत्र है इसलिए उसको अनुपचरित कहा है, लेकिन देह और आत्मा अलग अलग है इसलिए उसको असद्भूत भी कहा है, और व्यवहार इसलिए क्योंकि ये कहा जाता है, इस तरह का लौकिक व्यवहार इसी से चलता है इसलिए इसको व्यवहार कहा जाता है, व्यवहार में उपयोगी है ना, और नए हैं क्योंकि इसकी वही उपयोगिता है, इसकी क्या उपयोगिता है बताओ, मतलब नए माने ये भी सम्यक ज्ञान का अंश है, ज्ञानी भी इसका उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है बताओ, इसकी उपयोगिता क्या है, यदि इसको न माना जाए, जीवाणी में इस नए को स्थान नहीं दिया जाए तो क्या दिक्कत आएगी, मत कहो देह और आत्मा को एक, जीव भ्रम में पड़ जाते हैं इससे, मिथ्यात हो जाता है देह और आत्मा को एक मानने से, इसलिए इसे नए को स्थान क्यों देना जिससे मिथ्यात हो जाए, तो इसका एक तो है कि भाई तुम इसको समझ लो कि असद्भूत व्यवहार नहीं से कहा, जैसे अपन कहते हैं लोक में ये हमारे चाचा जी है नहीं तो भी तो समझ जाते ना कि ये व्यवहार से ऐसा मीठे भाषा में ऐसा कहा जाता है, ये हमारे चाचा जी वास्तव में चाचा जी है नहीं, तो ये सब अपन लोक में तो सब समझ जाते हैं अपने आप बिना कुछ लोगों के कहे ही, समझते ही नहीं ये आपका ही बच्चा है, लोग भी समझ जाते हैं कि हमारे हमारा बच्चा कहा है मतलब उनका, तो ये ऐसे ही ये जिनवाणी में भी सब तरह के कथन है नए के, तो अब आप समझ लो कि ये किसका है, असद्भूत व्यवहार नए से कहा गया है, वास्तव में ऐसा नहीं, अब इसकी उपयोगिता है क्या उपयोगिता है, यदि देव और आत्मा को सर्वथा देव और आत्मा को एक कहने वाला नए सर्वथा स्वीकार सर्वथा स्वीकार कर दिया जाए किसी भी रूप में माना ही नहीं जाए कोई जरूरत नहीं, इससे मिथ्यात होता है यदि इसको हटाओ ऐसा तो क्या दिक्कत आएगी, हिंसा और अहिंसा का व्यवहार समाप्त हो जाएगा, इसके लिए क्या है देखो इसको भले ही आप अपने दिमाग से भी थोड़ा सोचना, हिंसा अहिंसा का व्यवहार समाप्त हो जाएगा, फिर लोग निशंक रूप से शरीरों को मारेंगे पीटेंगे और कहेंगे कि हमने देव को पीटा है, क्योंकि देव और आत्मा तो बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए वो हिंसा हिंसा का व्यवहार है।
ला कर चुकी। जैसे चीटी रस भस्म को मसलने पर कोई पाप नहीं लगता, उसी प्रकार चीटी आदि जो जीव हैं उनको मसलने पे भी कुछ पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कोई अंतर अपन ने कहा ही ना, चीटी का शरीर भी वैसे ही है जैसे कि भस्म। अब कोई डिफरेंस करते ही नहीं अपन, नहीं ये चीटी जीव है, भस्म अजीव है। किस नए के आधार पे क्या है डिफरेंस? इस नए के आधार कि वो जीव है। क्यों? वो शरीर सहित तो जीव ही है, और शरीर सहित आत्मा को अपन क्या कहते हैं? जीव। इसलिए उसको मसला शरीर को मतलब किसको मतला? जीव को ही मसला। ये तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे आप भसम भसम पाप रख के चले जाओ, पाप नहीं लग रहा है, ऐसे जीव को मसलोगे चीटी आदि को और कहोगे क्या लग रहा है इसमें, पाप क्या है? नहीं, ये डिफरेंस है दोनों में। तो डिफरेंस हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ अंतर है। मैंने ये वैसा अजीव नहीं है जैसा अजीव भस्म है क्या, और बल्कि वो पीढ़ी होती है उसका देह, तो उसका निज आत्मिक पीड़ित हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो एक क्षेत्रों का संबंध है उन दोनों का। वो ऐसी कोई एकदम अलग अलग नहीं है, एक क्षेत्रों का संबंध होने से उसको स्थान दिया गया। संश्लेष संबंध है उसका, मतलब एक क्षेत्र उसके निमित्त से जीव सुख दुख की अनुभूति करता है, इसलिए परजीव दुख की अनुभूति उससे करते हैं। इसलिए तुम उसके शरीर को मारो पीटो नहीं, ये तो कहोगे कि हम तो उसका कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो देख ही कर रहे हैं। तो तुमको भी एक मारो, हम तो देख ही कर रहे हैं, तुम्हारा का कुछ कर रहे हैं क्या? ये तो उसका उत्तर कभी अपने आप से पूछ के देखना है। इस तरह की जो बात करते ना, क्या हुआ साहब इस प्रकार? तो मैंने कहा तुम जो तुम व्यवहार दूसरों के साथ सोच रहे हो, तुम ये सोचो कि वो व्यवहार तुम्हारे साथ हो तो कैसा हो, तो अपने आप तुम्हें ज्ञान में आ जाएगा कि क्या सही है। इसलिए इसकी उपयोगिता है, इसलिए इसको जिनवाणी में स्थान मिला है अहिंसात्मक आचरण के लिए। और वो उसके अनुपचरित की उपयोगिता अचौर्य और ब्रह्मचर्य अनुव्रत के लिए, नहीं तो दूसरे का धन अपना ही नहीं रहेगा, दूसरे का धन दूसरे का और अपना अपना ये बाउंड्री नहीं खिंचाएगी तो लोग चोरी करेंगे और कहेंगे हमने कुछ किया ही नहीं। तो अचौर्य के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए भी, ये स्वस्त्री है, ये परस्त्री है, ये राग, इसमें राग हो सकता है लेकिन उसमें नहीं हो सकता। ये भी काय के आधार पर, ये मेरी स्त्री, ये किस नए के आधार पर अपन कहते हैं? उपचर्य उपचर्य, यदि ये नए को मानो ही नहीं तो ये कहना बंद हो जाएगा। फिर या तो सब अपनी हुई या कोई अपनी नहीं हुई, तो या तो मुनि बनेगा या जानवर बनेगा। तो ये नए अपने को अधिकार देता है, अपन कह सकते हैं स्वस्त्री परिस्त्री का भेद डालता है, बल्कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत की प्रेरणा देता है। अनंत स्त्रियों में राग खत्म करके एक स्त्री में राग सीमित हुआ ना उसका, तो इसलिए वो अनुव्रत भी इससे बनेगा, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। महाव्रत नहीं बनेगा भले ही, लेकिन अनुव्रत इसी बने। तो इसलिए ब्रह्मचर्य और अचौर्य अनुव्रत के लिए ये नए जरूरी है, और अहिंसा के लिए ये जरूरी है, बल्कि उसके लिए परिग्रह के लिए भी वो जरूरी है। अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, ये तीनों काय से बनेंगे? उपचरित सत्यानुव्रत भी आ सकता है किसी सीमा तक। आपके पास कितने पैसे? तो आप बोलो मेरे पास 1,00,000, तो 5,00,000 या 1,00,000 बता रहे हैं इनकम टैक्स के पास, असत्य बोला। तो वास्तव में निश्चय से तो न एक है न पांच है, लेकिन ये जो झूठ बोला है ये व्यवहार ने उच्चरित असत्य व्यवहार ने ही बोला ना, तो असत्य की भी मर्यादा नहीं बनेगी ये तो। इसलिए असत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, मतलब सत्य अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, ये सब धराशायी हो जाएंगे एक सेकंड। इनकी महल नयों के आधार पर टिकी, जो बिल्कुल बाहर के हैं, मतलब जो बिल्कुल गेट के एकदम बाहर खड़ा है गेट के लिए, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने उसकी फाउंडेशन पे अनुव्रत खड़े। यदि वो उसको हटा दो तो ये अनुव्रत का महल खत्म। उपचरित के आधार पे 4 और अनुपचरित के आधार पे 1, कौन सा? अहिंसा अनुव्रत। इसलिए पांचों अनुव्रत तो वो है, अनुव्रत है,
और भी जो व्रत है वो सब इस पे तो इसलिए इसकी उपयोगिता है, बाकी ये मानने लायक नहीं, क्योंकि ये है ही क्या, असद्भूत। असद्भूत को कोई सद्भूत मान लेगा तो उसको क्या होगा, मिथ्यात्व की सम्यक मिथ्यात्व होगा। भाई वो खुद ही नाम अपना केला है, मैं असद्भूत हूँ बस, मेरी जितनी उपयोगिता है उतनी तुम समझना, उससे ज़्यादा मत समझना। मेरी उपयोगिता इतनी है कि हमारे तुम मेरी उपयोगिता इतनी है कि आपके जीवन में अनुव्रत आदि रूप आचरण हो, वरना आप पांच पाप नहीं करो, न्याय नीति सदाचार से रहो, अहिंसा से रहो, इतनी उपयोगिता है। बाकी आप मेरे को मानने लग जाओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या आप मेरी बात को मानना मत, आप मेरी बात से सदाचार ग्रहण कर लेना बस, बाकी मानने लायक नहीं मेरी बात। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ, असद्भूत हूँ। मानने लायक तो वो ऊपर की आई, ठीक है ना। तो ये अपन ने असद्भूत व्यवहार में पढ़ा, इसका सद्भूत, सद्भूत के कितने भेद हैं, कौन कौन से, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित का काम क्या है, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने किसको अपना कहता है, विभाव भाव, और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने स्वभाव भाव, इतना अंतर। स्वभाव को अपना कहता है, स्वभाव में भेद डाल के कहता है, भेद डाले लेकिन कहता स्वभाव भाव को, जो आत्मा के निज भाव है, जो आत्मा के गुण है, गुणों को आत्मा का कहे वो सद्भूत अनुच्चरित सद्भूत व्यवहार, और जो गुणों को नहीं, अपने राग द्वेष आदि विभाव भाव को जिनका नाश करना है अपने को, उनको आत्मा का कहे वो कौन कहलाएगा, उच्चरित सद्भूत व्यवहार। सद्भूत इसलिए कहा इसको, क्योंकि आत्मा में है, रागादि भाव आत्मा की सत्ता में है, इसलिए सद्भूत है। उपचरित इसलिए क्योंकि विभाव भाव है, इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं बल्कि हानि है, आत्मा में होते हैं लेकिन आत्मा को कोई लाभ नहीं पहुंचाते। जैसे किसी माँ के बेटा हुआ हो लेकिन वो बेटा ही उस माँ को परेशान करे तो वो बेटा कहलाएगा, बेटा माँ कहेगी मेरा बेटा कोई काम कर, मेरे बेटे ही नहीं, तो पूछो उससे आप कितने, कोई भी नहीं कि ये तो सही हो, अरे काम का क्या है, बल्कि वो है इस वजह से और तकलीफ होती है। लोग कहते हैं बेटे हैं तो कोई संभालता भी नहीं, एक तकलीफ है, नहीं होए तो दस पूछ ले कि भैया क्या दिक्कत है, और है ये सब लेकिन काम के कोई भी नहीं है। बल्कि ये है कि एक मतलब इनके होने से और नुकसान है, कभी कोई बीच में नहीं बोल सकता, नहीं होते तो बोलते भी सही। अब लोग कहते हैं तो इनके खुद के करोड़पति बच्चे हैं, अब वो माँ किसको अपना दुखड़ा बताएगी, ये सब करोड़पति हैं एक्चुअली, मतलब ये सब महादुष्ट लोग आत्माएं हैं, तो वो दुख के मारे वो क्या कहें अपने बच्चों, कोई मेरा बच्चा अच्छा नहीं, ये सब मेरे बच्चे नहीं है, आपकी क्या आपसे तो उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने पर भी लाभ नहीं है मेरे कोई उनसे, इसलिए मेरा कोई बच्चा नहीं है जिससे मेरे को लाभ हो, कुछ हित हो, वो अच्छा काम का है, बल्कि इनसे तो और हानि और होती है। कभी कभी होता ही है, लोग तो फिर अखबार में निकलवाते हैं, कभी कोई बहुत ज़्यादा हानि का प्रसंग आए तो लोग अखबार निकालते हैं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं, जो कोई उससे संबंध रखेगा वो उसकी जाने, लोग के बीच तेरा कोई संबंध नहीं है। तो पहले ऊपर देखो, उसमें भी पहले वो व्यवहार को स्थापित करता है, ये जो मेरा पुत्र फलाना फलाना है ये आज से मेरा पुत्र नहीं, तो पहले उसको स्थापित किया, ये जो मेरा पुत्र ये आज से अब मेरा नहीं। तो ऐसे ये जो देह जो अपनी है ये वास्तव में निश्चय से अपनी नहीं है, तो पहले उसको स्थापित किया, क्योंकि वो उसको अज्ञानी को समझ में कैसे आएगा, ये जो अपनी देह नहीं है ये आज से मेरी नहीं है, ये भी बात है, जो आज से तुम्हारी जो कल भी नहीं थी तुम्हारी वो आज से तुम्हारी नहीं है। अरे जो जो पहले तो उसमें स्थापना तो करे कि जिस देह को अपना कहा जाता है परमार्थ से वो अपना नहीं, अपना कहा जाता है इससे वही स्थापना व्यवहार, और फिर अपन ने उसको अच्छे से उसको कर दिया, अपन ने जो भी सेवा थी कि ये वास्तव में अपना नहीं, समझ में ना। तो वो उसके लिए जरूरी है कि वो बात ही बनाना नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये रागादि भाव यद्यपि अपने आत्मा में ही होते हैं, पर अपने
पर निश्चय नहीं कहता है अपने लिए, सद्भुत अरे अनुपचारित सद्भुत भी उनको नकार देता, तो उपचारित सद्भुत तक की सीमा में है वो, उसके आगे उनका नकार है कि ये जीव में कुछ नहीं है। क्यों नहीं, जीव में ही तो होते हो ना, लेकिन इससे जीव को बिगाड़ है उनकी, सुधार क्या है, तो इसलिए बिगाड़ है तो हम उसको अपना नहीं कहते जिससे हमारा बिगाड़ होता है। शत्रुओं को कोई अपना कहा जाता है, अरे ये अपनी शत्रु है, अपने ही शत्रु है, ये बात ही सेंटेंस ही गलत है, ये शत्रु है अपने हैं ये तो नहीं, अपने वाले ही शत्रु, अपने वाले ही शत्रु, तो ये कोई शत्रुओं में अपने वाला संबंध नहीं होता। तो ऐसे जो आत्मा को दुखदायी परिणाम है, जो आकुलता उत्पन्न करने वाले परिणाम है, संसार परिभ्रमण के कारण है, जो जीव का घात करने वाले भाव, उनको जीव का नहीं कहा जाता। उपचरित सद्भुत तक की सीमा में अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं कहेगा कि नहीं ये भी जीव के नहीं है। जीव के तो जो उसके ज्ञान दर्शन चारित्र वो जीव के, समझ में आया ना। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं तक की मतलब रागादी भाव को जीव का कहना, ये कौन सा है, उपचरित सद्भुत व्यवहार। उपचरित इसलिए क्योंकि विभाव है, सद्भुत इसलिए क्योंकि जीव में है, व्यवहार इसलिए कहा जाता है। और नहीं माने एकदम ऐसी झूठी बात भी, सम्यक ज्ञान का अंश है जीव, नहीं माना जाए किसी भी रूप में रागादी भाव को तो राग जीव करता ही नहीं है, उसके फल में कर्म बांधेगा ही नहीं, संसार नहीं बनेगा, करे ही नहीं तो फिर उसके अभाव का उपदेश क्यों देगा। ये सारे अपने यहाँ बैठे हैं क्लास में से बेकार, जब जीव राग करता ही नहीं है तो राग करते ही नहीं तो किसके नाश का उपाय करें, राग है ही नहीं जीव में, राग होता ही नहीं है, राग करता ही नहीं है, राग किसी भी नए से है ही नहीं, तो वो फिर सारा उपदेश मतलब मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन ही निरर्थक सिद्ध होगा। इसलिए उसको उपयोगिता जान के जिनवाणी में स्थान तो मिला है, लेकिन उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं के स्थान पर मिला है, उसको अनुपचरित के स्थान पर नहीं मिला है ना, आ रहा है समझ। अब फिर अनुपचरित में क्या रखा, जीव के जो गुण है उनको अनुपचरित सद्भुत में रखा, क्योंकि वो अनुपचरित क्योंकि वो निकट के हैं स्वभाव भाव, और सद्भुत इसलिए क्योंकि वो जीव की सत्ता में है, निकट के हैं जीव की सत्ता में है, स्वभाव भाव है। और फिर ये है कि ये व्यवहार है, अब ये यहाँ थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है बस, बाकी नए हैं सम्यक ज्ञान का अंश, तो सम्यक ज्ञान तो है ही, जो ये नए कहे आत्मा में दर्शन है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में चारित्र है, जो नए कहे तो सम्यक ज्ञान के, तो ये अनुच्चरित और सद्भुत और नए ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये व्यवहार कैसे है ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये तो लगता है ये नए तो निश्चय में जाना चाहिए, बस बहुत हो गया आप सबको, तुमने कह दिया ये व्यवहार है व्यवहार है, ये तो निश्चय में आना चाहिए ना, इसमें क्या गड़बड़ है। तो आत्मा में है ही ये तो दर्शन ज्ञान चाहिए तो है ही, कोई आत्मा के आत्मा से अलावा किसी अन्य द्रव्य में तो है नहीं, तो उसका उत्तर क्या दिया था, भेद कर दिए उसने, भेद किए इसमें, आत्मा में दर्शन है ज्ञान है चैत्र है ऐसी अभेद अखंड वस्तु में भेद किए हैं, इसलिए इसको व्यवहार कहा है। तो क्यों भेद समझने का, तो भेद अभेद को समझने के लिए किया जाता है, समझ में ना, व्यवस्था चलाने के लिए हिंदुस्तान एक अभेद अखंड है, ऐसे अभेद अखंड कहें तो समझ में आ सकता है हिंदुस्तान नहीं, फिर अपन भेद करते हैं उसके व्यवस्था के लिए, उसमें कितने राज्य है, कितने जिले हैं, कितने जिलों में कितने जो है तहसील है, और सब अलग अलग भेद प्रवेद करते हैं, फिर व्यवस्था जमाने के लिए तो भेद करेंगे तो व्यवस्था जमेगी, तो भेद भी जरूरी है, हिंदुस्तान को समझने के लिए तो भेद ही करके समझना पड़ेगा, यहाँ इतने प्रांत है, ऐसे अभेद अखंड को तो करते रहेंगे कि हिंदुस्तान अभेद अखंड अभेद अखंड अभेद अखंड है, ये कब याद करना, जबकि हिंदू मतलब मैं हिंदुस्तानी हूँ किसी से मतभेद नहीं हो इसके लिए, लेकिन अभी तो जरूरत है समझने के लिए, हिंदुस्तान को समझाएंगे तो अपन समझाएंगे, ये देखो ये बेटा ये प्रांत है, ये प्रांत है या ये या इस तरह का है, अलग अलग प्रांत है, अलग अलग राज्य है, अलग अलग बताएंगे समझ रहे हैं उसमें, तो हिंदुस्तान समझ नहीं आया, आ सकता है क्या बिना भेद किए, कल्पना करो हिंदुस्तान को बिना खंड किए, तो खंड तो अपने बुद्धि में किए ना, हिंदुस्तान तो खंड खंड हो गया, तो ऐसे आत्मा में हमने समझने के लिए भेद किया है,
वस्तु तो अभेद अखंडी है। समझने के लिए अपन ने भेद किया तो उससे वस्तु कोई भेद रूप नहीं हो गई, वस्तु तो अभेद ही रहती है। लेकिन अभेद वस्तु में हमने समझने के लिए भेद किया है और वस्तु अभेद है, इसलिए वो व्यवहार हो जाता है। और इसकी उपयोगिता यह है कि एक तो इसके बिना समझा नहीं जा सकता, आत्मा को नहीं समझा जा सकता। दूसरा इसकी महान उपयोगिता है कि ये नए न हो तो आत्मा की महिमा ही जीव को चित्त में न आए। हम यूं कहें अभेद अखंड है, अनंत गुण है आत्मा में, तो ऐसे आत्मा की महिमा नहीं आती। एक एक गुण का वर्णन करो फिर देखो आत्मा में ज्ञान है, और फिर ज्ञान की भी और बारीकी में चले जाओ। ज्ञान ही नहीं, ज्ञान तो अलौकिक, केवल ज्ञान अनंत ज्ञान है। और अनंत ज्ञान भी कैसा है कि अनंत ज्ञान तो एक गुण है, उस गुण की एक समय की पर्याय की बात करो तो उसकी एक समय की पर्याय की ताकत इतनी है कि वो तीन लोक तीन काल को जानती है। माने जीव के अनंत गुणों की चर्चा तो एक तरफ रहे, एक ज्ञान गुण की बात करें और ज्ञान गुण के अनंत पर्यायों की भी एक तरफ बात रहे। हम ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की बात करें तो उस एक समय की पर्याय में पूरे विश्व का वैभव समाहित है। क्या माने एक समय की पर्याय विश्व का वैभव कैसे? वैभव मतलब कोई इनके पास कुछ रुपया पैसा नहीं आ गया, लेकिन ज्ञान का वैभव है, माने समस्त विश्व को जानते हैं। एक समय की पर्याय ऐसी है जो तीन लोक ऊर्ध्व मध्य दो पूरा विश्व और उसकी त्रिकालवर्ती समस्त पर्याय उन सबको ज्ञान एक समय में जान लेता है, एक साथ जान, एक समय में एक साथ जान, ऐसी उसकी अखंड प्रचंड प्रताप। और ऐसी एक दो पर्याय नहीं, उसमें से ऐसी धारावाही अनंत पर्याय निकलती रहती है। और साथ में ज्ञान ही नहीं, उसके साथ में आनंद भी होता है, क्योंकि लोक में भी हम जो सुख भोगते हैं काय का भोगते हैं? ज्ञान का। रसगुल्ला खाया काय का सुख भोग? ज्ञान का। मीठे का ज्ञान हुआ, ठंडी गर्मी का ज्ञान हुआ, कुछ चीज का ज्ञान हुआ। ज्ञान के बिना सुख की कल्पना करो। गुरुदेव को रसगुल्ला खिलाओ, ज्ञान ही नहीं है, सुख भी नहीं है उसको। अचेतन वस्तु में कोई चीज रखी है, क्या कटोरी में रसगुल्ले रखे अच्छे बढ़िया, या आपको क्या पसंद है जो भी गुलाब जामुन से बने, तो कटोरी को कितना मजा आता है, बर्तनों को कितना मजा आता है, क्यों नहीं आता उनको? क्योंकि ज्ञान नहीं। तो सुख का संबंध तो ज्ञान से है ना, उनको मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि ज्ञान ही नहीं, चेतना नहीं। तो चेतनता जहाँ है वहाँ सुख है, जो अनंत चेतनता है माने अनंत वस्तुओं का ज्ञान है वहाँ अनंत सुख क्यों ना होगा? थोड़ी थोड़े से विषय में सुख मिलता है, तो अनंत वस्तुओं के विषयों का जानना हो तो अनंत सुख क्यों ना होगा? यदि ज्ञान सुख का कारण है, अल्प भी अल्प ज्ञान अल्प सुख का कारण है, तो अनंत ज्ञान अनंत सुख का कारण है। और रागादि मोह राग द्वेष भाव है नहीं तो खेद के कारण नहीं बनते। क्या होता है कि जिनके लिए जिनके रागादि भाव विद्यमान होते हैं उनके जानना खेद का कारण बन सकता, क्योंकि वो राग से राग विद्यमान हो तो वो जान ले अरे ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो आकुलता हो सकती है, खेद हो जाता फिर। क्या मतलब राग खेद का कारण होता। जिनके राग बीत जाता है उनके लिए ज्ञान खेद का कारण नहीं होता, तो उनके राग भी बीत गया है, इसलिए वो ज्ञान सुख का कारण सुख रूप है। ऐसी अनंत पर्याय ज्ञान रूप है, ऐसी अनंत ज्ञान की, ऐसी अनंत दर्शन की, ऐसी अनंत सुख की, ऐसी अनंत वीर की और भी अनंत गुणों की अनंत अनंत शुद्ध शुद्ध पर्याय हर समय प्रति समय आनंद आनंद आ रहा। दुख का कोई कारण ही नहीं रही रहा, इच्छाएं समस्त नष्ट हो गई, करना कुछ रहा नहीं, जो कुछ प्राप्त करना था वो सब प्राप्त हो गया, मैंने सब इष्ट की प्राप्ति हो गई, अनिष्ट सब नष्ट हो गए, ज्ञान लोकालोक में विस्तृत हो गया और दर्शन भी पूरे संपूर्ण विश्व को जानता है। क्वेश्चन साल में एक गाथा है, पहले तो ये गाथा है नाणम लोया लोयम ए और दट्टी डट्टी लो दृष्टि जो है लोया लम इतना दृष्टि
नट अनिष्ठम समम इट्ठम पुण जंतु तम लद्दम। इसका अर्थ है कि सारे नष्ट हो गए अनिष्ट तो, और समस्त इष्ट की प्राप्ति हो गई, और जो है लोकालोक में दृष्टि विस्तृत हो गई। फिर उसके आगे उन्होंने एक बहुत जोरदार गाथा दी कि ये जितने सुख है क्या सुखम क्या है, देखो गाथा वो परमम सुखम सुहेसु परमम ति विगत घादीणम। हाँ सुहेसु परमम माने परम सुख, जिनके घाती कर्म बीत गए हैं उनके परम सुख है, ऐसा जो नहीं मानता माने जितने भी सुख है सुहेसु परमम ति विगत घादीणम माने सुखों में परम सुख कौन सा है, घाती कर्म जिनके नष्ट हो गए वो सुख। ऐसी बात सही मैंने समस्त सुखों में अनंत भगवान का सुख परमोत्कृष्ट है, ऐसा जो सुनकर भी नहीं मानता सुनी दूर ते अभवा, वो कौन है अभव है, ये बात कही। अभवा वा तम परिच्छंती माने भव्य जीव जो होगा वो तो उसको स्वीकार कर लेगा तत्काल, लेकिन जो अभव्य होगा उसको भगवान का सुख बताएंगे और तो भी उसको उस सुख की श्रद्धा नहीं होगी। यूं कहें जिसको अनंत ज्ञान और अनंत सुख का वर्णन करने के बाद भी यदि उसको उस ज्ञान और सुख की महिमा नहीं आती, उसकी श्रद्धा नहीं होती, तो उसको अभव्य की उपमा दे दी उन्होंने। तो अभी तो अभव्य जैसे ही है, बाद में चलो हो भी जाए लेकिन मुश्किल है, यदि जब तक समझ में नहीं आए मुश्किल है। ये सबसे बढ़िया कोई चीज बताई जाए फिर भी उसकी कोई श्रद्धा नहीं करे तो मैंने कहेंगे इसकी किस्मत में नहीं है। सबसे बढ़िया मार्ग बताओ और आदमी मना कर दे, कोई गरीब आदमी हो बिल्कुल भिखारी क्या, और उसको अपन कहें कि भाई देख तेरे को तू देख ले घीरा, तेरे को देखते ही तेरे को पसंद आएगा दे देंगे, वो देखने से ही मना करें। कोड़ी आदमी हो उसको कोई अमृत पान कराए, कोड़ी रोगी अमृत का पान कराए तेरे सब रोग दूर हो जाएंगे, अच्छी बढ़िया पौष्टिक औषधि मिलकर कुष्ठ भी हो जाए, मना कर फेंक दे अमृत को। ऐसे संसार पीड़ित जीवों को और सुगम मोक्ष मार्ग का मोक्ष मार्ग के जीवों का निरूपण किया जाए और उसको मोक्ष मार्ग की रुचि नहीं लगे तो ये उसके अभाग्य की महिमा है जो अपन नहीं कर सकते। किसकी महिमा नहीं कर सकते, अभागा इससे बड़ा अभागा और कौन होगा। संसार पीड़ित जीवों को सुगम मोक्ष मार्ग का निमित्त बने और वो न करे मोक्ष मार्ग का उपाय न करे, ये पहले वर्णन किया उसको प्रवचन सार किए सब गाथा। पहले प्रवचन सार में अनंत ज्ञान अनंत सुख का वर्णन किया, ज्ञान और सुख का अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, वहाँ एक पूरी उन्होंने मूवी बनाई है, दो तरह के ज्ञान और दो तरह के सुख ऐसे दो पार्टी खड़ी करी, एक इंद्रिय ज्ञान एक इंद्रिय सुख, एक इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख एक पार्टी के बीजेपी के दोनों से नाम नहीं बोल सकते किसके, लेकिन किसी के भी यहाँ तो एक सरी की है सर। लेकिन वहाँ वास्तव में दो उन्होंने बिल्कुल प्रतिपक्षी पार्टी खड़ी की, एक इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख के में एक पार्टी इंद्रिय वाली है, उसके दो मेंबर है कौन कौन से, ज्ञान और सुख मतलब इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख, एक दूसरी पार्टी है अतीन्द्रिय उसके भी दो मेंबर है अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय, और फिर दोनों की उन्होंने तुलना की तुलनात्मक विवेचन कि इनमें कौन अच्छा है, तो कह रहे इतना वर्णन कर दिया हमने और यहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को सब तरह से हमने उत्कृष्ट सिद्ध किया और फिर भी समझ में नहीं आए तो वो मतलब बस अब जैसा है वैसे ही है, जबकि बहुत बड़ी गाली है अभव है मतलब क्या है अभव के दिया मतलब इससे खत्म कहानी खत्म। अभव किसे कहते मालूम है ना, जिसमें मोक्ष जाने की पात्रता नहीं। तो इसलिए ये जो है भगवान का अनंत ज्ञान अनंत सुख मतलब भगवान को जो सुख है वैसे ही अपना स्वभाव है, तो स्वभाव को जब तक खोल के नहीं बताएंगे कि हमारा भी ऐसा स्वभाव है तब तक उसकी रुचि नहीं लगेगी, और स्वभाव को खोल के बताए बिना उसको समझाया नहीं जा सकता। जब तक हम आत्मा के एक एक गुण को वर्णन नहीं करेंगे तब तक आत्मा की महिमा नहीं आएगी, और एक एक गुणों का वर्णन किए करे बिना अभेद को समझाया नहीं जा सकता,
तो हम कहेंगे अनंत गुण समझ में नहीं आएगी, आप कुछ गुणों का वर्णन करो। तो हम यहाँ देखो ज्ञान गुण, ज्ञान गुण की एक समय की अवस्था कैसी है, वो केवल ज्ञान रूप। और ऐसा ऐसी केवल ज्ञान रूप अवस्था कब कितनी होती है, निरंतर अनंत पर्याय, एक दो पर्याय नहीं अनंत पर्याय, और हर समय नई नई, जो इस समय है वो पुरानी हुई, अगली नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी, हर समय नवीन नवीन पर्याय, और हर समय जो नवीन नवीन पर्याय वो केवल ज्ञान रूप। जैसे किसी का अपन भाई वैभव का वर्णन करें, सब रोज नए नए कपड़े, रोज अलग अलग, रोज नए, और रोज इतने कीमती, तो लोगों को समझ में आता हाँ वो कैसे बात। लेकिन किसी आदमी को बताना होता अपन बताएंगे रोज नई गाड़ी, रोज एक गाड़ी वो भी नई, और वो भी ये वाली कंपनी जो भी है, तो वो उससे उसकी महिमा ख्याल में आती है। तो ऐसे आत्मा के गुण भेद करें, गुणों के अंदर भी पर्याय भेद करें, तो उस आत्मा की महिमा चित्त में ख्याल में आती है। नहीं तो आदमी के चित्त से रोटी कपड़ा मकान की महिमा ही दूर नहीं होती। क्या ये जीव संसार की चीजों में तो उलझा हुआ है, इज्जत आबरू रुपया पैसे में, पंचेंद्रिय के भोगों में, कि आत्मा तो महिमा तो बहुत दूर की बात है। अभी किसी की शादी में चले जाए, मैं थोड़ा अच्छी चमक आऊँ देख ले, उसकी महिमा आ जाती है। ओ क्या चीज है, क्या चीज है, है? पैसे किसी पैसे का चूल्हा हुआ और तो क्या चीज है उसके अंदर। तो आती कि नहीं महिमा है, इनके इसमें इतने थे, उनके इसमें उतना था, उनके इसमें ये था, वो था, ये था। तो अभी इतना उलझा हुआ है जीव बाहर में, उसको यदि आत्मा के गुण भेद नहीं करें, यदि असल ये भले ही व्यवहार हो, लेकिन यदि इस व्यवहार को हम खड़े ही नहीं करें और गुणवान का भेद ही नहीं करें, तो आत्मा की महिमा ही उसके चित्त में नहीं आएगी। और जब आत्मा की महिमा ही चित्त में नहीं आएगी, तो आत्मा का अनुभव करने का उद्यम करे क्यों, क्या मिलेगा उससे मेरे को, क्या करना आत्मा का अनुभव करके। अपन तो गुलाब जामुन का अनुभव करो, जब ये संसार के विषय भोग है उनका अनुभव करो, उससे कुछ मिलेगा, मीठा मीठा लगता है, इससे क्या मिलता है, कुछ खाओ पियो, क्या विषय भोग करें तो यहीं उसमें यहाँ पे भी सुख मिलता है, बड़े भी है उसमें। उसमें अपन ने पढ़ा था ना मोक्षण प्रकार कुछ पीठिका या विवाह अधिक कार्य करो, उसमें बड़े भी मिलती है। तो उसका उत्तर दिया था ना उन सब, अपन ने यहाँ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पीठिका नहीं दी थी तो दी, मैंने नहीं दी किसी को, अच्छा रामाशा मंदिर में दी हुई। उसमें सब प्रश्न किए प्रश्नकर्ता ने कि ऐसे सब काम करना चाहिए, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है सब कि भैया जिससे एक तो ये संसार के जितने सुख है सब पराधीन है, बाधा सही थे, आकुलता सही थे, नरकादि दुर्गति के कारण है, और शास्त्राभ्यास से उत्पन्न हुआ जो स्वाधीन सुख है वो आत्माधीन है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है और सहज है, सरल है, प्राप्ति अपने अधीन है, और स्वर्ग और जो है अनाकुलता लक्षण है, निराकुलता लक्षण, और ये जो तू कह रहा है कि विवाह आदि कार्यों को खूब खर्च करो, इसमें धन कमाओ, तो उन्होंने कहा कि भैया ये बता इसके अंदर से होने वाली बड़ाई कितने दिन रहेगी, तेरे से भी अधिक धन खर्च करने वाले बहुत हैं, तू कहता मैं इतने खर्च कर डबल खर्च करने वाले, समझ में ना। तो उन्होंने कहा कि इसलिए ये सब छोड़ के शास्त्राभ्यास का उद्यम रखना, वो तो पढ़ना आप, मैंने नहीं दी पूछता ना, एक एक फोटो कापी सबको दे देंगे और सबको पढ़ना, वो अच्छा विषय हो। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका आज ले आना था मेरे पास है उसकी फोटो कापी, 20 फोटो कापी रखी हुई है, तो मिल जाएगी जी जिन लोगों को। उसमें उसके अंदर बहुत बढ़िया वर्णन है, तो उसमें यही बताया है कि भाई अभी जीव विषय भोगों में इतना उलझा हुआ है, तो वो विषय भोग में उलझे हुए जीव को तो हम गुण भेद करके ही समझाएंगे, ताकि उसको इनकी महिमा, किसकी महिमा, आत्मा की महिमा उसके चित्त में आए। तो ज्ञान का वर्णन करेंगे, दर्शन का, सुख का, वीर का, अस्तित्व का, अस्तित्व का, प्रमेय द्रव्य अगुण लघु प्रदेश, सब गुणों का वर्णन करें, एक एक गुण का वर्णन करें। क्यों? क्योंकि देखो आत्मा के गुणों का वर्णन करना बहुत आवश्यक, उसका परिचय नहीं है। विषयों का परिचय तो बचपन से ही सबको है,
किसी माँ से कोई सीखता नहीं है, लेकिन आत्मा क्या परिचय अपने को अनादिकाल से हुआ ही नहीं। शास्त्र की भाषा में कहें तो काम भोग बंदगी कथा तो हमने अनादिकाल से अनंत बार सुनी, परिचय प्राप्त किया, लेकिन पर से जुदा आत्मा की बात, पर से जुदा है, पर संयुक्त आत्मा की बात भी सुनी है, लेकिन पर से जुदा, पर से विभक्त आत्मा की चर्चा इस जीव ने आज तक सुनी नहीं, न सुनी है, न इसका इसको परिचय हुआ है और न अनुभव है। और काम भोग बंध की चर्चा तो सुनी भी है, परिचय में भी खूब आई है और अनुभव में गई, और इतना ही नहीं परस्पर में एक दूसरे के लोग उसमें आचार्य बने, आचार्य मतलब सब गुरु बने, गुरु मंडा बने। इसके लिए घर घर में मिल जाएगी, पान वाले के पास बता, वही काम भोग बंध की कथा कर लेगा, लेकिन इनसे जुदा एकत्र भक्त आत्मा की चर्चा सुनना मुश्किल है। इसलिए इस नए को रखा कि इस नए का काम यही है कि आत्मा में भेद कर करके उसकी महिमा बताए, क्या इसलिए इसकी उपयोगिता है, भले ही वो अभेद में भेद कर रहा है लेकिन बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा ही जीव को समझा जा सकता है, आत्मा को समझा जा सकता है, इसके अलावा कोई उपाय है ही। अब सवाल तो ये कि ये समझा जा सकता है जिस नए से, तो उसको निश्चय में डालना चाहिए, इसने तो इतना उपकार किया। जो नए आत्मा को समझाता है, आत्मा के गुणों को बताता है, तो उसको व्यवहार क्यों कहा जाए? तो उसका एक ही कारण है कि समझने पे समझना है, मतलब समझने से ही काम नहीं होगा, समझ के समाने से काम होगा। कैसे काम होगा? समझ के समाने से, माने समझ तो लिया आत्मा, महिमा भी आई, लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी, तो आनंद की कणिका नहीं जगेगी। जब तक आनंद की कणिका नहीं जगेगी तब तक मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। और निश्चय अनुभव भी, इसलिए ये सब समझ के, सबको समझ लिया और समझ के अभेद की अनुभूति करना, आत्मा की अनुभूति करना, कोई वास्तव में निश्चय नहीं है। इसलिए अनुभूति ही निश्चय है, बाकी सब व्यवहार। कथन मात्र व्यवहार है, कल बात क्या कोई भी विकल्प होगा जब तक, जैसे आत्मा की गुण भेद के भी विकल्प है, तो विकल्प है समझ, मतलब वो सारा अपन ने बखेड़ा खड़ा किया है, खड़ा तो किया समझने के लिए, अच्छा किया, बनाने के लिए चीज बनाई, ठंडी सब चीजें बना ली, लेकिन अब पीने के लिए तो सब चीजें भूलना जरूरी है। ऐसे सारे विकल्पों को अनुभूति के काल में गुण करना आवश्यक है। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चैत्र है, ये भी विकल्प है, ये भी विकल्प कहा है। तो क्या करें कि बस मैं तो जो हूँ सो हूँ, जैसे समय सार में कहता है व्यवहार एण उपदिशति, व्यवहार नए से उपदेश दिया जाता है कि नाणिस्त दर्शनम चरितम चाणम, नाणी के ज्ञान है, नाणी के ज्ञान है दर्शन है और चरित्र, नवीनाणम न चरित्रम, न ज्ञान है न चरित्र, न दंशनम न दर्शन है, जान गो शुद्धो, वो तो एक ज्ञायक तो जो है सो है शुद्धवा, व्यवहार एण उपदिशति नाणिस्त दंशनम चरित्रम, नवीनाणम न चरित्रम, न दंशनम जान गो शुद्धो, ये गाता है उसने, मूल गाथा में कि ये सब व्यवहार से कहें, व्यवहार एण उदस्य व्यवहार से कहें, नाणिस दंशनम चरित्रम, ज्ञानी के नाणी नाणिस नाणम दंशनम चरित्रम, ज्ञानी के ज्ञान दर्शन और चरित्र जो कहें, मतलब जीव के ज्ञान दर्शन चरित्र जो कहें, वो कैसे कहें? व्यवहार से। वहां से तो स्टार्टिंग है, समय सार ऐसी स्टार्टिंग करता है, सीधा आदमी सुन के एटम बम जैसे जग जा रहे हैं। तो व्यवहार है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो व्यवहार व्यवहार है, उस सदी व्यवहार से कहे जाते हैं। यदि उसको भी अपन पालते हैं कि नी संकेत नी कांक्षित और ये सब करते हैं तो क्या कहलाएगा? ये सब व्यवहार सम्यक के अंग है, जिसके असली होता है उसके नियम से होते ही होते हैं। अच्छा, ये उसके चिन्ह है, पर ये पालना सम्यक्त नहीं है। पालना सम्यक्त, ये पालना मतलब व्यवहार से पाल लिया, पर सम्यक्त हो गया,
ऐसा नहीं है, ये सम्यक चीज के पहचान के चिन्ह है। शुरुआत में से उल्टी होती है, अपन तो ध्यान रख के पालते हैं, हम शंका नहीं कर रहे हैं, हम कामना भी नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी की गर्भ बड़ा समझ, पेट बड़ा है ये उसका चिन्ह है, कोई बड़ा के आ जाए मेरे बच्चा हुआ, वो उससे उससे वो नहीं, वो तो जिसके होता है सम्यक होता है उसके वो चिन्ह होता ही होता है, ये है बस, वो होना उसका कारण नहीं है। मैंने वो निसंकित आदि पाल लिए, धर्म में शंका नहीं करना, भले ही मन में प्रश्न हो, कांक्षा नहीं करना, तो वो तो कहते हैं कि जिसके ये अनुभूति होती है उसके ये सब प्रकट ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे अपने आप व्यवहार का काम तो क्या है, आके उपस्थित हो जाना, मैंने व्यवहार सम्यक दर्शन का वो निश्चय कर ले एक बार, तो ये सब तो अपने आप उसके जीवन में आ जाएंगे, निशंकित निकांक्षित आदि सारे गुण प्रकट हो जाएंगे, 25 दोष अपने आप दूर हो जाएंगे, सात तत्व की श्रद्धा अपने आप हो जाएगी, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो जाएगा, सफल वेद विज्ञान हो जाएगा, एक काम करेगा ये सब हो जाएंगे, वो इन सब को व्यवहार नाम मिल जाएगा, ये सब भेद रूप है व्यवहार है, और करना करा क्या उसने, एक अभेद आत्मा की अनुभूति, वो किससे की वो ये सब विकल्प गौण कर दिए, पहले आत्मा की महिमा चित्त में ही, फिर भी महिमा महिमा चित्त में आने के बाद में उसने सब गुण भेद से भी लक्ष्य हटा दिया, ये सब इतने सारे गुण है लेकिन मैं तो कैसा हूँ, इन सब गुणों का एक अभेद अखंड है। निश्चय हो गया, सम्यक दर्शन हो गया 100%। क्या वो जीव को नियम से भेद विज्ञान हो जाएगा, वो स्वयं का पर द्रव्यों से भिन्न अनुभव हुआ तो भेद विज्ञान हो गया उसी काल में, निर्विकल्प अनुभूति एक क्षण के लिए भी हुई जिस जीव को, क्षण भर के लिए भी, तो वो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, अनादिकाल का मिथ्यात्व दूर हो गया, तो यहाँ तक ले जाना है उसको क्रम क्रम से कर कर, यहाँ तक नहीं जाएगा वो, बीच में से अटक जाएगा तो काम पूरा नहीं कहलाएगा, अपने को उसको इस क्रम से ले जाना है, लेकिन उच्चैत असद्भूत अनुपचैत उच्चैत सद्भूत अनुपचैत सद्भूत और निश्चय नहीं के विषयभूत आत्मा के अंदर, अनुपचयित सद्भूत और हाँ और कोई डिफरेंस नहीं, वो भेद रूप है, वो भेद रूप समझना है और यह भेद रूप है, ये भेद रूप ज्ञान में विकल्पात्मक भेद रूप जाना है, मैंने ज्ञान में समझा है और वो उसका जो है वो विकल्पों को गौण करके उसका अनुभव किया है, जैसे अपन ने थ्योरी में समझा है उस चीज को कि हाँ ये वस्तु ऐसी है, उसको अनुभूति, जैसे अपन ने ठंडाई बनाई है थ्योरी में सब और एक ने उसको पिए तो पीने वाले का सब अनुभव है उसका, वो आनंद लेता है उसका, बना ली भले अपन उसके कितने गुण गालो उसके इसमें ये लेकिन जितना अच्छा पीने वाले को मालूम है उतना उसको नहीं मालूम, क्योंकि उसने तो सब समझा है आश बहुत अच्छा रहता है, ऐसी रहती वैसी रहती, बताओ शक्कर का मैं खूब वर्णन करूं हैं और शक्कर मैंने चखी नहीं हूँ और एक ने शक्कर चखी है तो आनंद तो उसको ही आया ना मिठास का, और असली ज्ञान तो उसको ही कहलाएगा जो उसका अनुभव करता है, बाकी ये सब थ्योरी में है और वो उसका प्रैक्टिकल अनुभव, इसलिए वो प्रैक्टिकल अनुभव होने पर वो सब सच्चा, वो सारा कार्यकारी हो जाता है और वो प्रैक्टिकल करने के लिए अपन थ्योरी में समझते हैं, क्योंकि वो थ्योरी करे बिना प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि वो गुणों की महिमा आए बिना वो वहाँ आता ही नहीं है, समझ ना, जब थ्योरी में समझेगा पहले उसको अच्छे से तब वो उसको प्रैक्टिकल जीवन होता है, कि जब तक थ्योरी में नहीं समझेगा नहीं कि सब किसका अनुभव करे बैठा जैसे एक पहले विकल्पात्मक श्रेणी पहले आत्मा के चिंतन पे तो आएगा, नहीं तो वो अभी तो दुकान के विकल्प में लगा रहेगा, पहले वो आत्मा पे आए, अभी तो वो आ गया वहाँ से अनुभूति में जाने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये जो उपचयित असद्भूत से अनुपचयित सद्भूत तक जाना वो बड़ा पुरुषार्थ है, वो तो ऑटोमेटिक का काम है, जिसको रुचि होगी आत्मा की उसको अनुभव हो जाएगा, काल थोड़ा लग सकता है लग सकता है, लेकिन रुचि तो उत्पन्न हो कि मैं ऐसा तत्व हूँ, अभी अपनी रुचि नहीं आएगी तो अपने अनुभव कैसे होगा, और मोक्ष का मार्ग जो है वो मोक्ष का मार्ग अनुभूति स्वरूप है, समय सा नाटक में कलश है अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप,
अनुभव आनंद क्या है उसके पहले देखो। नहीं नहीं अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप अनुभूति रस कंद एक लाइन छूटे मेरे दिमाग से। अनुभव चिंता मणि रतन अनुभव है रस कूप अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। क्या कहा? अनुभव चिंता मणि रतन अनुभव अनुभव चिंता मणि रतन के समान है जो चाहो मिल जाएगा उसे। और अनुभव है रस कूप आनंद के रस का कुआ है। और अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष का मार्ग है। और अनुभव मोक्ष स्वरूप अनुभव है मोक्ष ही। ये समय सर कलश का हिंदी अनुवाद ऐसा कैसे बनारसी दास जी का 450 साल पहले पढ़ा मुझे पढ़ा हुआ उसमें बहुत अच्छे अच्छे कलश एकदम। अनुभव चिंता मणि रतन अनुभव है रस कूप अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो ये है तो वो उसकी पर उसमें उतनी चिंता वाला काम वो नहीं है। काय कौन सा भेद से अभेद में जाना भेद बस ये कि वो इन सब के विकल्प छोड़े किन के संसार संबंध संसार की महिमा उसके चित्त से उतरनी चाहिए। और संसार की महिमा चित्त से तब उतरेगी जब वो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार करने से आत्मा को अच्छे से समझेगा। लोग ध्यान करने के लिए कहते हैं कि ध्यान कैसे करना है क्या करना है कहता हूँ पहले ध्यान के पहले ज्ञान करो। किसका ज्ञान? ध्यान करना है हमें आत्मा का ध्यान करना है। तो आत्मा क्या है फिर समझो आत्मा क्या है क्या है उसमें। मैं तो अंदर बहुत एकदम सफेद लाइट एकदम वाइट तो ये एकदम वाइट तो पुद्गल का गुण है। लाइट ही लाइट लाइट ही लाइट क्या लाइट 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 भी पुद्गल का गुण है। अथवा सांस के लिए रोकना जाना तो बिल्कुल एकदम सांस मेरे को पूरा पता आ रही है जा रही कब आ रही जा रही तो सांस भी तो पुद्गल का ही गुण है। जो भी तुम ध्यान कर रहे हो सब पुद्गल के कर रहे हैं और मान किसके रहे हैं आत्मा के कर रहे हैं। जितनी भी ध्यान ध्यान की चलती है ना दुनिया में जितनी भी दुकानदारियाँ ध्यान ध्यान शिविर योग शिविर मेडिटेशन शिविर योगा शिविर नाम ऐसे बड़े बड़े योगा मेडिटेशन क्योंकि क्या है दुकान के नाम बड़े नहीं लगे लोग आते और वहाँ जाओ तो पता चल रहा है कि वो तो कोई कोई सांस कंट्रोल करने के लिए ऐसे कर रहा कोई शरीर की स्वस्थता की बात कर रहा है क्या कोई बीमारियां ठीक करने की बात कर रहा है कोई क्या कह रहा है कोई कोई बस प्राणायाम की बात कर रहा है और उसको वो नाम ऊंचे ऊंचे दे रखे ध्यान इनके ध्यान के फल में तो मोक्ष जाता है या कितने हो गया है। ध्यान ज्ञान पूर्वक होता है भाई ध्यान तो करना ही नहीं पड़ता वास्तव में ध्यान तो ऑटोमेटिक होता है। जिसकी रुचि होती है उसका ध्यान होता है। क्रिकेट का जिसको रस होता है ना बच्चे से पूछो दिमाग में उसी का ध्यान होता है। किसी की नई नई शादी हुई हो तो उसको कहना होता है तू ध्यान करा कर उसका अरे ध्यान उसका नहीं हो ये उपाय बताओ क्या मतलब तो ध्यान अपने आप जाता है उस वस्तु का ऐसे रुचि होती है इस चीज की जैसे आत्मा की रुचि होती रुचि का काम है ये कोई ये वही जबरदस्ती एक घंटे में प्रैक्टिस करने का नाम ठीक है अभ्यास अभ्यास के लिए लेकिन असली चीज जो है वो 24 घंटे वाली होती है। हमारा उपयोग हमारा रस ही उसमें क्या मेरा तो रस जो है अपना निज अपना रस तो किससे अपने निज आत्मा से मेरो तो एक आत्म तामे ममत जुकीनो उसमें मेरा अपनापन है उसी में प्रेम है और मेरे किसी से कोई प्रेम नहीं क्योंकि वही मैं हूँ बाकी सब कुछ मैं नहीं। तो ऐसी रुचि होती है तो उसके ध्यान अपने आप चित्त में निरंतर उसका उपयोग उसी का रहता है और पढ़ते उसको सुहाते ही नहीं तो जिसको वो जिसको मतलब पढ़ते सुहाते नहीं तो निरंतर ध्यान और जिसके अपने आत्मा सुहाता नहीं तो उसको कितनी देर हम याद करवा लेंगे भाई आत्मा का ध्यान कर सोच तू कौन है अभी तो जबरदस्ती तो किसी को आप करा सकते कितनी देर करा लो 15-20 मिनट थोड़ी देर में उसको आकुलता होने लग जाएगी चलो भाव हो गया ध्यान तो ये है ये चीज समझ में आया ना ये सब ज्ञान के बिना ध्यान नहीं। आप तो ज्ञान करो अपना काम पहला फर्स्ट स्टेज यदि बढ़ो तो स्टेज बाय स्टेज पढ़ो
प्राइमरी स्टेज है कि हम आत्मा को अच्छे से समझ लें, आत्मा के प्ररूप जो शास्त्र उसका अच्छे से अभ्यास कर ले। सभी शास्त्र से तो आत्मा का ही निरूपण करते हैं, फिर भी आत्मा के जिसमें गुणों का वर्णन है, अध्यात्म के ग्रंथ है, पहले एक बार अच्छे स्वाध्याय कर ले, और फिर अब अपने आप वो स्वाध्याय आ जाएगा तो वो अपने आप बता देगा कि ध्यान कैसे किया जाता है, कैसे करना है, क्या करना है, पहले ज्ञान कर लो। क्या हाँ, वो फिर नरक की नरक में डंडे खाते खाते भी आत्मा का ध्यान कर लेता, सम्यक प्राप्त कर लेता। हम मुनिराज सियाल नहीं खाती रहती है और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उस समय में उत्कृष्ट आत्मा का ध्यान करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अग्नि चलती रहती है ध्यान हो जाता है, और यहाँ लोगों को ऐसी चाहिए ध्यान करने के लिए, एयर कंडीशनर में ध्यान होता है, और पत्नी पास में, ये कौन सा ध्यान होता है, ये तो आर्थ रोज ध्यान है विथ फैमिली, दोनों मोक्ष जाओगे एक साथ। ये सब आर्थरोध ध्यान, मतलब इष्ट का इष्ट के संयोग है ना, पत्नी के प्रति राग है तो आर्थ ध्यान, देह से राग हटाने का नाम शुक्ल ध्यान है, धर्म ध्यान। और यहाँ तो तुम देह क्या, देह तो पहले अनुकूल कर रखा है, सब पंखा चाहिए, एसी चाहिए, पत्नी के पास में चाहिए, सब चाहिए, और फिर आप करने बैठे हैं ध्यान। कई लोग मंदिरों में आते हैं लगाते हैं सबसे पहले चक्र चालू हो जाता है उनका, और फिर नीचे माला फेरना चालू होता है। थोड़ी देर के लिए तो देह से मत छोड़ो, इतनी क्या है हो गई कि भाई हर समय पंखे ही चाहिए अपने, थोड़ा देह का मत छोड़ो उतनी देर। तो इसलिए ध्यान जो है ना, ध्यान तो देह के निर्ममत्व पढ़ने का नाम है, उसमें कोई विकल्प नहीं होता, उसमें तो कुछ चिंता ही नहीं, उसमें आनंद के रस में डूबा हुआ जी, उसको विकल्प चिंता ही नहीं कि देह का क्या होता है। हाँ, अब देखो इसमें एक पॉइंट और ले गया, उसको अपन और कर लेते हैं, पाँच मिनट से आज इतना समय तो गया, वो कल का टाइम नहीं है इसके बाद। देखो एक इसकी उपयोगिता और है इन नयों की, कि ये अपने को आत्मा तक पहुँचाने में भी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं देखो, कि अपने को अभी हीरा खोजना हो, क्या खोजना है, हीरा, तो मैं आपसे तो हीरा खोजना हो तो ये कहा कि भैया हीरा कहाँ मिलेगा, तो अपन ने कहा कि हीरा जो है वो पन्ना की खदानों में मिलेगा, तो उसने उपयोग किया कि काम किया, तो बड़ा काम किया उसने, क्या काम किया, पूरी दुनिया से नज़र हटा के कहाँ ले आया वो, पन्ने की खदान है, वहाँ तक सीमित हो गया। फिर अपन ने कहा पन्ना भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो वहाँ उस जगह उन खदानों में मिलेगा, या अपन यूँ कहें कि पूरी दुनिया के अंदर से एक हीरा कहाँ मिलेगा, अब तो कह रहे पन्ना में भी क्या है कि नहीं है, लेकिन कहाँ है आजकल हीरो की खदान, कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है, मतलब सोने की खदान है ना, नहीं साउथ अफ्रीका, अच्छा तो हीरा कहाँ है कि अफ्रीका में, तो उसने पूरे विश्व से हटा के कहाँ लेके आया वो, अफ्रीका में, फिर अफ्रीका में भी एक इस जगह में, इस स्टेट में, तो और सीमित हुए, फिर स्टेट में भी इस शहर में और सीमित हुए, और इस शहर में इस खदान में, ये पर्टिकुलर इतनी खदान में भी इस खदान, ऐसे सीमित करके करके बनाया। ऐसे ही भाई हमें अपनी आत्मा की खोज करनी है, आत्मा कहाँ मिलेगा, स्त्री पुत्र मकान जायदाद के बीच, लेकिन अपने स्त्री पुत्र मकान जायदाद के, तो इसने बहुत सीमित तो किया है, अनंत पर पदार्थों से सीमित करके जिनको लोक व्यवहार में अपने कहे जाता है वहीं तक सीमित कर लिया, कि अपना आत्मा इन्हीं के अंदर है जो भी है, मैंने अपना अपनापन कायम है इनमें, यही है जो कुछ भी अपना दुनिया, फिर अब और सीमित किया कि ये भी सब अपने नहीं है, देह में अपना, देह में आया फिर और सीमित किया, देह में आत्मा है अमूर्तिक, लेकिन उसमें भी जो रागादि भाव है वो आत्मा नहीं, और अंदर आया कि ये जो ज्ञान दर्शन आदि के भाव है यह, तो इसने काम तो किया ना, हर एक ने अपने को वहां तक पहुंचाने के लिए भी उसने मार्ग दिए, पहले वहां पूरी दुनिया से सीमित करके स्त्री पुत्र आदि तक लाए, देह पे लाए, देह से भी मिटाए कि नहीं, अमूर्तिक आत्मा है वो जीव है, जो आत्मा तो देह से भी भिन्न है, अमूर्तिक है, ये अमूर्तिक आत्मा में दो प्रकार की चीज़ है, एक रागादि भाव है, और रागादि भाव भी भाव भाव है, वो भी जीव नहीं है, और अंदर आओ, तो अब अंदर आओ तो वो जो ज्ञान दर्शन आदि के गुण हैं वो जीव है, क्या तो ये जीव तक की इसने पूछा नहीं, काम करो आप डायरेक्ट जंप मारोगे तो नहीं मिलेगा, सीधे 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 धीरे धीरे कर करके वहाँ तक लेके आते, और बीच बीच की अपनी पूरी दुनिया की जो खोज है उसको कम करते जाता है,
परमात्मा को जाएगा अपनी चीज तक। इसलिए इसकी भेद विज्ञान में भी बहुत इसकी उपयोगिता है। और भी आप इसमें से पढ़ना कि और क्या क्या इसके अंदर उपयोगिता है, क्या मेरे ख्याल से लगभग सभी चीजें अपन ने बता दी। उपचय असल को देह मतलब अन्य की देह में नहीं खोजना, अपनी इसी देह में खोजना है। तो इसने भी काम तो किया ना, दूसरों की देह मत खोजो, यहाँ खोजो, और इस देह में भी प्योर अंदर में। देखो इसके अंदर लगभग सारा हो गया विषय, और इसको पढ़ लेना आप उपयोगिता क्या है। ठीक है, ये पढ़ना या आपके लिए दिया ये बाकी में सब पूरा विषय। ठीक है, अभी अपना लगभग पूरा विषय हो गया, बाकी अपन अगली बार से अपन